एक बछड़ा 9 महीना का बछड़ा बेचा जी मैं 1,30,000 का। अच्छा, इतना बछड़ा का, इतना 9 महीने का। 9 महीना। अच्छा, प्यार नागोरी बछड़ा था। अच्छा, पंजाब में गया वो बछड़ा, पंजाब के लोग है ना। अच्छा, तो महंगा बेचता है, 20-20 लाख का, 25 लाख तक भी बछड़ा बकता है वहाँ। वहाँ पे रेस चलती है ना। अच्छा, तो रेस के लिए तैयार करते हैं, तैयार करके उनकी प्राइस करता है पहला कई दिन तक। तो बहुत माल खवावे, घी दूध काजू मिक्सी में पीस पीस के, बादाम। अच्छा, सब चीज मिक्सी में पीस के खिलावे। अच्छा, वो तो अपने टाबर भी नहीं खावे ना, जैसे पंजाबी लोग खावे। राम राम साहब। राम राम साहब। शुभ नाम आप रो? चंदा राम है साहब। अच्छा, क्यों गांव आप रो? गोलडा गांव। गोटड़ा गांव, जिला नागौर। जिला नागौर है, तहसील मुंडवा है। अच्छा, तहसील मुंडवा। तो अभी नागौर मेले में आप क्या लेके आए, कितने जानवर लेके आए, क्या जान? 45-47 जानवर लेके आया। अच्छा, तो 25 बछड़ा है, 22-23 बैल है, बड़े बैल। अच्छा, बड़े बैल है। बड़े बैल। अच्छा, सारे बैल ही लेके आए कि घोड़े घोड़ी भी लेके? नहीं, घोड़ा घोड़ी नहीं, बछड़ा और बैल। अच्छा, नागौरी बैल ही है? नागौरी बैल ही है, नागौरी बैल का ही काम है अपना। अच्छा अच्छा, तो ये और ये कितने सालों से आप ये काम कर रहे हो? यो बहुत टाइम हो गया जी, हमने कम से कम 45 साल हो गया यो काम करता ने। अच्छा, 66 साल का हो गया मैं, 66 साल का, 45 साल यो काम करता रह गया। अच्छा अच्छा, यो गौ माता का ही काम किया मैं, व्यापार बहुत लंबा चौड़ा किया। अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया पशु है ना, प्रसिद्ध पशु जो को राजस्थान में पूरी अपने ऑल इंडिया में प्रसिद्ध पशु बेचा मैं, और कोई माड़ा पशु नहीं बेचा मैं। मतलब अलग अलग मेलों में जाते रहते हो? अलग अलग मेलों में, अपने राजस्थान का करीब करीब मेला एक भी नहीं बाकी। तो इस बार आपके कितने मतलब जानवर ये बिक गए बैल, और कितने बाकी रहे अभी? यो मेला थोड़ा मोड़ा रह गया ना, मेला आगे पीछा होना से खराब हो गया मेला। अच्छा, पहला तो कलेक्टर साहब ने मानिया नहीं, फिर मान गया। अच्छा, तो फिर मेरे अधिकारी जी कलेक्टर साहब मेला भरवा दिया, पर मेला थोड़ा उग चू कर दिया ना। अच्छा, पहले फिक्स नहीं, पहले 12 तारीख से 24 तारीख तक चलता है मेला, वो बोल दिया था। अच्छा, उसके बाद में अपने 18 तारीख से 27 तारीख तक के भाई मेला भरेगा, फिर मान गया कलेक्टर साहब। ये तो बहुत धन्यवाद है साहब, कलेक्टर साहब ने मेला भी भरवा दिया अपना। तो उस हिसाब किसान का सही काम नहीं होया, किसान आगे थोड़ा घाटा चला गया। अच्छा, तो उस हिसाब से खरीदार भी नहीं पहुंच पाया यहाँ? खरीदार फिर वो बोलिया नहीं, पहला भाई मेला बंद हो गया। फिर बाद में हम बहुत औखा मनाया के भाई मेला चालू हो गया, तब पहुंचो। अच्छा, लोग तो आज तक आवेगा, कल परसों तक आ रहा लोग तो, पर अभी मेला थोड़ा आगा पछा हो गया, खराब हो गया। तो ये जो आप बैल लेकर आए हैं, तो इसमें कम से कम कीमत वाला बैल और ज्यादा से ज्यादा कीमत वाला कितने के है? एक बछड़ा 9 महीना का बछड़ा बेचा जी मैं 1,30,000 का। अच्छा, इतना बछड़ा इतना 9 महीने का? 9 महीना। अच्छा, प्यार नागौरी बछड़ा था। अच्छा, पंजाब में गया वो बछड़ा, पंजाब के लोग है ना। अच्छा, तो महंगा बेचता है, 20-20 लाख का, 25 लाख तक भी बछड़ा बकता है वहाँ पे रेस चलती है ना। अच्छा, तो रेस के लिए तैयार करते हैं, तैयार करके उनकी प्राइस करता है पहला कई दिन तक। तो बहुत माल खवावे, घी दूध काजू मिक्सी में पीस पीस के, बादाम। अच्छा, सब चीज मिक्सी में पीस के खिलावे। अच्छा, वो तो अपने टाबर भी नहीं खावे ना, जैसे पंजाबी लोग खावे। अच्छा, ये समझा रहे ना, ये साल में एक बछड़ा है, बैल नहीं है। आप कहाँ से हो जी? पंजाब के जिला लुधियाना। अच्छा, जगड़ी गाँव है। शुभ नाम आपका? जगजीत सिंह, जगड़ी कह देते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी ये जग्गी गाड़ी वाला कहता है इसने। अच्छा अच्छा, नागौर मेले में आपके सिर्फ बैल खरीदने आए हैं कि घोड़े खरीदने आते हैं? बछड़े। अच्छा, बछड़े, छोटा बछड़ा। अच्छा, तो आप वहाँ मतलब पंजाब में ले जाके क्या करते हो बछड़े का? यहाँ में जाके हमारे दौड़े होती है। अच्छा, रेस होती है, दौड़े निकाल कर हम जब बढ़िया जीतने लग जाता है बेच देते हैं जी। जो बंदे बाहर रहते हैं कनाडा अमरीका में, वो ले लेते हैं, जो पंजाब वाला कोई। अच्छा, जो बढ़िया होता है, शौक से रखते हैं। साल के अंदर कितना रुपया का पशु बेच दिया तू देश के लिए? ऐसे साल 20 लाख के बेच दिया। अच्छा, 15 लाख के पिछले साल बेच दिया। अच्छा, 15-20 दो साल में 35 लाख के पशु बेच दिया, 35 लाख के बछड़े बेच दिया। अच्छा, वो रेट में चलता है, वहाँ तो बहुत चला गया ऊंचा, अभी तो बहुत कीमत होगी, एक एक पशु भी 25 लाख का, 20 लाख का ऐसे होगा। अच्छा, जो बार बार बाइया है हमारे के ना, बढ़िया बढ़िया लेते हैं, 20-20 लाख का। अब NRI लेते हैं, NRI है जो, क्योंकि पंजाब वाले भी लेते हैं। क्योंकि हमारे इधर राजस्थान में क्या बछड़ों की अब उतनी वैल्यू नहीं रही, वैल्यू कहाँ रही है, बस मीट तो खत्म कर दिया ना, गौ माता का वैल्यू ही खत्म कर दिया। गौशाला में घालो चाहे जेल में डालो, जेल वाले तो रोटी मिलती है, गौशाला में पराली मिलती है, पंजाब की पराली से गोटा टूटता है,
जर्दा खावे ना आदमी का गोड़ा टूटे, जैसे पराली से गोड़ा टूटता है जी जी, पशु का गौ माता का जो घी दूध खावे वाली देखो चीज रात तो देखो पशु की। जो रास्ते में गाड़ी वाले हम भी लेके जाते हैं तो रास्ता में शिवसेना वाले बहुत रोक के पुलिस वाले बुला लेते। अच्छा, परेशान करते हैं रास्ते में। पुलिस वाले बोलते हैं कि हम शिवसेना वाले को बुलाते हैं। अच्छा, तो उस शिवसेना वाले भाइयों को बीच तो पता है जो बढ़िया बंदे हैं ये पालने के लिए लेके जाते हैं। हाँ, ये आप मतलब कतलखानों में थोड़ी ले जाते हो। वो तो फोन नंबर भी देते हैं, अभी हमारे से फोन करना चाहिए। कतलखाने में ले जाना है तो वो बंदा लाखों रुपए खर्च क्यों करेगा? नहीं करेगा, वो आराम से लेके जाते हैं, गद्दे लगाए होते हैं गाड़ी में, अच्छी तरह लेके जाते हैं बढ़िया ढंग से। जी जी, तो आपके हिसाब से ये जैसे नागौरी बैल है, हाँ। तो नागौरी बैल की पहचान क्या है? मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी का नागौरी बैल का क्या क्या पहचान मतलब देखा जाता है? कम्बल नहीं होती, कम्बल नहीं होती है नागौरी बैल के। अच्छा, ये मतलब सीधे सींग, अच्छा हरण भर के पैर और सारा कुछ देखो क्या क्या चीज बन रही है। पूंछ जैसे करता पतली पूंछ है। अच्छा, पतली पूंछ होती है, छोटी पूंछ है तरसे के ऊपर, और पांव भी जैसे मतलब हिरण की टाइप होती है। यो देखो, यो देखो, हाँ मतलब जैसे हिरण कूदे वैसे कूदता है, हिरण की जात के साथ बहुत लोगों का अधिकार चलता है। अच्छा। हम है ना, हमारे बाप दादे भोपाल करते नहीं है। यो आदमी काम बसता है सिक्कर के पास में, लक्ष्मण लक्ष्मणगढ़ के पास में शोक के लिए मेला देखने आया। जी जी, पुराने व्यापारी हमारे पुराने, उसका पैसा बनता है, फिर व्यापारी का बनता है, फिर गाड़ी वाले का बनता है, गाड़ी वाले के बाद जो बंदा पंजाब लेके आता है पाता है, फिर उसका पैसा बनता है, फिर वहाँ टूर्नामेंट होते हैं, टूर्नामेंट कितने रेडी वाले होते हैं, कितने गाड़ी वाले आते हैं, बहुत बहुत मतलब सबका रोजगार जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं देशी गोवंश का भी भला हो रहा है कि मतलब ये जो देशी बछड़ा है इसका ये कत्ल खानों में नहीं जाकर सही जगह पर जा रहा है, जा रहा है। वो दूध दाद पी रहे हैं देसी घी। एक सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं, जो पशु नहीं चलेगा ना अभी, कि यूपी अपने इस प्रांत में सब बंद कर दिया, बाहर तो नहीं जानते पशु कोई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। सिर्फ एक हरियाणा पंजाब यो बछड़ा जा रहा है, यहाँ मौज कर रहा, बहुत मौज कर रहा इसने। हमारे तो ये कोई भागने के लिए भी नहीं लेके जाता, ता भी बढ़िया है, जिंदगी जीता है। जी जी, क्यों चारा फिर भी बढ़िया, दाना खाना है, चारा बढ़िया मिलना, टाइम सिर मिलना है। ये करे वारा घूमेंगे राजस्थान में, भूखे मरेंगे, इसलिए बढ़िया मेले लगने चाहिए। जैसे मेल्टा सिटी आ रहा है वो लगना चाहिए, क्यों मेला लगना चाहिए, सब मेले जो लगने चाहिए। अच्छा, ये मेले लगेंगे तो सबका रोजगार चलता है। इस बार तो जैसे कोरोना की वजह से काफी कुछ डिस्टर्ब हो गया सबका, लॉकडाउन लग गया, सब डिस्टर्ब हो गया। कराना नहीं, कराना नहीं, यो तो रोक लग गया ना, कितना साल हो गया सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई है गौ माता की, गौ वंश इसकी रोक लगाई ना, उसके बाद में खत्म हो गया गौ का। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई, सरकारों ने लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। अरे सुप्रीम कोर्ट में हुआ पर केस क्या ना, फिर भाई सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहा क्या है? नहीं, वो गाड़ी वाले का था, वो टूर्नामेंट का था। नहीं, वो कत्ल खानों में ले जाने के लिए रोक है, बाकी पालने के लिए रोक नहीं है। बछड़ा बाहर नहीं जाएगा, कैसे नहीं होगा यार? अजंत बछड़ा भाई प्रांत से बाहर नहीं जाओगा। अब जो पंजाब हरियाणा बंद हो गया ना, तो यहाँ राजस्थान में एक ही मालिक के पास में गा नहीं रहेगा, जो और प्रांत तो सब बंद हो गया। अजंत बछड़ा बाहर जा नहीं रहा, यूपी का चार आदमी बुढ़ा यहाँ बैठ के रोया हुआ, ये बछड़े देखे हम कैसे बछड़े पहला ले जाते थे, बहुत पालते थे। अच्छा, अभी ले जान नहीं दिए गवर्नमेंट, क्या कराऊ हम? मैंने बोला यो जोड़ी गा का लाख रुपया दे रहा यूपी वाले अजंत बछड़े के, वहाँ पछाड़ी पड़े। मैं भैया हम कहाँ पहुँचाऊ, हम तम ले बताना, रो रहे सब बहुत बढ़िया ढंग से जाए, पुलिस वाले को सहयोग देना चाहिए। कहीं ना कहीं जब बैलों की आर्थिक उपयोगिता ही नहीं रहेगी तो फिर कोई पालेगा क्यों? पालेगा क्यों? सही बात है, खत्म हो गया। देखो चाचा जहाँ बैल है, आओ रे बन जाए, सुंदर बैल है, देखो देखो आओ सरदार जी, आओ सरदार जी, चल बैठे बुगला खड़ा। यो देखो, यो एक माँ के दोनों बेले के, एक यो बछड़ा आ गया, अच्छा दोनों ही एक ही माँ के है, माँ के बेड़ा के है दोनों। अच्छा, मतलब दोनों ही जुड़वा है, जुड़वा जुड़वा। अच्छा, कितने बढ़िया लग रहे हैं दोनों भाई है। जब बाहर की बिक्री है ना, 5 लाख की जोड़ी बिके, यो देखो देखो कितने सुंदर पशु है, देखो। हाँ, मतलब सरकार दूसरे स्टेट में अगर दूसरे एक्सपोर्ट बोल दे तो 5 लाख की जोड़ी है, देखो
देखो कितने बढ़िया ढंग से सजाए हुए हैं, नहीं बिकने देंगे तो ये बारह बहुत बढ़िया सिंगार के रखते हैं, पालते हैं दूध के, वो भी देते हैं अगर देखो जो पालने वाले हैं। अब ऐसे पशु है तो दूध के प्रेम बछड़ा पालते हैं, बहुत गाड़ियां वाले पकड़ लेते हैं, गाड़ी पकड़ लेते हैं, सारे गौशाला में मर जाते हैं। देखो तो वो कोई नहीं तो उठा रहे आवाज, हाँ क्यों उन्हें घर में तो दूध क्यों पीते हैं, गौशाला में तो यार चारा मिलता है, वहाँ मरेंगे बेचारे। हाँ गौशाला में ज्यादातर मैंने देखा है जो दान से चलती है उनमें मतलब कोई भी और वाली गौशाला है बढ़िया ऐसे कोई केयर नहीं करता ज्यादातर में वाली गौशाला में नहीं, कौन सी गौशाला में खत्म है मतलब सबकी नहीं कहता लेकिन ज्यादातर में नहीं है केयर नहीं करता, कोई गौशाला में देख रहे कुछ नहीं है, बच्चे को गौशाला छोड़ते हैं पर 4 दिन के लिए, ये तो 4 दिन में मार देंगे इसको, मार दिया घर में 2-3 गाड़ियां। हाँ क्योंकि इनको खिलाना पिलाना भी उस हिसाब से है, जेकर दूध पीते हैं घर में चारा बढ़िया खाते हैं तो ही सही रहते हैं, जेकर इनको अपन चारा बढ़िया ढंग से नहीं देते दूध नहीं देते तो ये कमजोर हो जाते हैं बहुत ज्यादा। जी 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 क्या बहुत ज्यादा केयर से पालते हैं, देखो इसका शरीर देखो नहर को भाई साहब खुद की नहर जो खुद की नहर जो साहब हां ठोस तो माता के खुद की नहर जो ठोस ठोस ऐसा भी जानवर है राजस्थान के अंदर, देखो अब दुनिया क्या कह रही है, ये वो कफनी में जा रहा है वो अगला ले जाके एक्सप्रेसी कराऊंगा गड्डी में ले जाके इसी प्रेस जानवर, देखो 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 ये भैंस भी दूध नहीं कटावे जैसे ही हो, इसने कोई माल खवाया ना अगला ऐसे थोड़ी पड़ गया, देखो देखो अभी अंधी गवर्नमेंट है, अंधी गवर्नमेंट ये देखो देखो यो अंधी गवर्नमेंट क्या कह रहा है, ये तो कटनी में जा रहा है देखो नहीं नहीं देख नहीं भाई तेरा सच्चा ना बात तेरा देखो हाँ देखो 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 गौ माता देखो आराम देखो बोर भाई देखो बोर भाई